जब लोग नींद में होते हैं और जगने का नाम नहीं लेते ना, तब उन पे ऐसे ही पानी फेंक के उन्हें जगाया जाता है, समझी? बिंदिया के घर चिरैया पहुंची पायल। पायल ने दिया बिंदिया को अपनी शादी का कार्ड। बिंदिया ने पायल पर फेंका गोबर का पानी। पायल का फूटा बिंदिया पर गुस्सा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो सुहागन की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि जैसा कि बिंदिया के घर पहुंच चुकी है पायल, पायल और क्रिश की शादी का कार्ड थमाती है बिंदिया के हाथों में पायल, और पायल ने किया है 16 सिंगार। और ऐसे में सभी गांव वाले लोग पूछते हैं पायल से कि आखिरकार पायल में इतना कैसे आया है बदलाव, जहां पर पायल बताती है कि इस गांव के सबसे ज्यादा अमीर इंसान से हो रही है उनकी शादी, और इतराती है खुद पर ही। जिसके बाद बिंदिया के हाथों में पायल पकड़ाती है शादी का कार्ड, और बिंदिया ये शादी का कार्ड देख कर हो जाती है पूरी तरीके से शॉक्ड। बिंदिया लाती है गोबर का पानी और फेंक देती है पायल के चेहरे पर, जिसके बाद पायल का फूट पड़ता है बिंदिया पर गुस्सा। पायल करती है बिंदिया से कई सारे सवाल, जहां पर बिंदिया कहती है कि जब हमारे यहां कोई सो रहा होता है तो उस पर पानी फेंका जाता है ताकि उसका जो सपना होता है वो टूट जाए, और पायल और क्रिश का कुछ ऐसा ही सपना है जो कि टूट जाए, इसलिए बिंदिया ने ये गोबर का पानी फेंका है पायल पर, और गोबर तो होता है पवित्र। और बिंदिया की ये सारी बातें सुनने के बाद पायल ठान लेती है कि इस बेइज्जती का बदला लेगी बिंदिया से पायल। तो क्या है इस पे आपकी राय, आखिरकार पायल कौन सी चलेगी नई चाल, और क्या वाकई ही पूरी हो जाएगी पायल और क्रिश की शादी? हमें कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।